बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद के मकामी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे डॉक्टर अमजद साकिब जो है हुकूमत के बानी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके एजाज में एक इशाया दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फैसलाबाद राणा अब्दुल वहाब साहब। आइए उनसे पूछते हैं आज की तकरीब के हवाले से। जी राणा साहब, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। आज की ये तकरीब, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही रबी अव्वल का आगाज़ हुआ और इस महीने की इब्तदा एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के साथ, डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब एक ऐसे इंसान है, ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है और ये सपूत फैसलाबाद, फैसलाबाद के रहने वाले ऐसे इंसान जिन्होंने एक सरकारी ऑफिसर थे और इन्होंने अपनी वह जॉब छोड़ के और ये सोचा कि मैं इस शहर से शुरू करूँगा खिदमत करनी। और जैसे कि आप तमाम पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, अभी जिसके लिए आज हमने ये तकरीब का इंतज़ाम किया कि इतना बड़ा इनको अवार्ड दिया गया। डॉक्टर साहब ने एक 10,000 रुपया एक मस्जिद में एक बंदे को कारोबार के लिए दिया, 10,000 रुपया, और इसका कोई सूद नहीं था, इसकी रिटर्न किस्तों के अंदर थी 10,000 रुपये के लिए, कि आप इस 10,000 से कोई आप सब्ज़ी की दुकान लगा सकते हैं, आप रेड़ी पे कोई चीज़ रख सकते हैं, आप अंडे बेच सकते हैं, कि आप 10,000 से 5,000 कमाएं, 5,000 से आगे कमाएं, तो इसका कोई सूद नहीं है, जितने पैसे लिए आपने उतने वापस देने हैं। इस वक्त हम इस लेवल पे खड़े हुए हैं, खुद इस लेवल पे खड़ी है कि 2 लाख घरों में अखवत पैसे दे चुकी है, जिसकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपये हैं पाकिस्तान के ना। और अब ये आप ये हिसाब लगाएं कि 2 लाख घरों का चूल्हा चल रहा है, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग किसी मद में घरों की शादियों के लिए पैसे लेते हैं और बाद में वो सूद बढ़ता रहता है और उनके पैसे नहीं उतरते। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डॉक्टर साहब ने इसको 5,000 से शुरू किया, फिर ये 10,000 रुपये गया, ये 20,000 रुपये गया। इस वक्त कोई भी बंदा 50,000 रुपये तक ले के अपने बगैर सूद के किसी भी तरीके से पैसों को यूटिलाइज़ कर सकता है।